जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। दोस्तों वेलकम अगेन, और आपने ये गाना ज़रूर सुना होगा और इसी थ्योरी पे मैं बिलीव करता हूँ, कल क्या होगा, और इसीलिए मैं ट्रिप करता रहता हूँ और जीवन में रोमांच और फन मस्ती ये होना चाहिए। ये मेरा दिल्ली ट्रिप का वीडियो नंबर 4 है। अगर आपने पहले 3 वीडियो नहीं देखे तो आई बटन में मैं आपको लिंक दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे, आप जाके उनको देख सकते हैं। और हम आ चुके हैं इंदिरा गांधी मेमोरियल, और इंदिरा गांधी का इसमें बहुत सारा मेमोरी वगैरह बना हुआ है, किस तरह से शूट किया गया था। फ्रेंड्स, पहले तो बोलना पड़ेगा कि इंदिरा गांधी का ये जो संग्रहालय है, या फिर आप म्यूजियम बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छे से वेल मेंटेन करके रखा गया है। उनकी यादों को, उनके पिक्चर तस्वीरों को बहुत ही अच्छी तरह से वेल मेंटेन करके रखा है, जो आपको नॉर्मली सरकारी उसमें तो नहीं मिलता है। ये पोर्शन में उस समय पे वो जो बर्तन यूज करते थे खाने के लिए, और ये उनकी साड़ियाँ, सोलें, पोशाकें, सब कुछ बहुत ही अच्छे से और सिक्योरिटी के साथ रखा गया है। क्लीन वाइट कलर, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा इसमें। ये साड़ी है जो वो पहनती थी, उनका बैग, चप्पल। दोस्तों, दिल्ली दर्शन की बस करने का ये फ़ायदा तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसे प्लेसेज रहते हैं जिस तरह से ये इंदिरा गांधी और राजीव गांधी म्यूजियम है, और बहुत सारी ऐसी VIP रोड हैं जहाँ पर नॉर्मल आपको एंट्री अलाउ नहीं है, केवल टूरिस्ट वगैरह को है। और अगर आप बाइक से या टू व्हीलर से जाते हैं तो आपको वहाँ पर रोक के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पार्किंग भी नहीं मिलेगी। इसलिए दिल्ली दर्शन की बस आप करते हैं तो इसका एक एडवांटेज ये भी है कि आपको पार्किंग की टेंशन नहीं है, किसी को कोई जवाब नहीं देना, सीधे जाके आपको एंट्री मिल जाएगी, और आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा, सुविधाजनक हो जाएगा, और बहुत ये एक अच्छी बात है। आपका टाइम सेविंग भी हो रहा है और आप घूम भी रहे हैं। फ्रेंड्स, जब आप ये म्यूजियम देखेंगे तो आपको एक रॉयलनेस फील होगी, जिस तरह से आप रूम सजाए हुए हैं, मेंटेन किए हुए हैं, उस ज़माने की उनकी यादें, उनकी जो चीज़ें हैं, चाहे वो संदूक हो, चाहे वो उनका खाने के लिए थाली हो, जो रॉयलनेस है वो फील होगी। और गांधी परिवार का जो नाम है वो वर्ल्ड फेमस है, उनका बलिदान भी है जो भी वर्ल्ड फेमस है, और ये हम चल दिए उनके बलिदान स्थल की ओर। यहाँ पे बीच में फूल रखे हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे उनको ये उपहार हो, उनके लिए भेंट हो, और ये वो जगह है जहाँ पे इस तरह का मोमेंट उन्होंने बनाया हुआ है। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, और बहुत ही प्यारा लगता है, कांच का बना हुआ है एकदम। Yep.
और यहाँ पे इंदिरा गांधी की मूवी चल रही है, क्योंकि जिस तरह से उनकी शहादत हुई थी, शहीद हुई थी, वो अपन ने देखा था। यहाँ पर उनकी मूवी आप देख सकते हैं और फिर यहाँ से निकल सकते हैं। आइए। मानेकशॉ ने कुछ महीनों के लिए टालने के लिए कहा, क्योंकि युद्ध की तैयारी के लिए थोड़ा वक्त जरूरी था। इसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, टाइम कम है क्योंकि हमारी बस हमारा वेट कर रही है। बाकी आप ये भी देख सकते हैं, ये है लिखा हुआ, पूरा उनका हिस्ट्री है बांग्लादेश वॉर का। आप अगर फ्री टाइम में आते हैं तो देखिए मूवी, अच्छे से एंजॉय कीजिए, काफी अच्छे से मेंटेन किया है। और अभी अभी आपको एक यहाँ पर कुछ लिखा हुआ देखा होगा, आप उसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। और बहुत अच्छे से मेंटेन किया है गार्डन वगैरह, और काफी फ्लावर है, सर्दी का टाइम है तो और भी अच्छा लग रहा है, वॉक करने में एकदम मजा आ रहा है। आप आइए तो सर्दी के टाइम पे आइए, और फ्री है एंट्री, कोई भी चार्जेस नहीं है। लेकिन हाँ, हमने क्योंकि बस की है इसलिए हमको टाइम का पूरा ध्यान रखना है और टाइम से ही जाना है। 30 मिनट का टाइम मिला है तो हम समझ रहे हैं कि हमारा टाइम होने वाला है। ये 2 कैन लिए हैं 10 रुपीज़ ईच, और ये इंदिरा गांधी म्यूजियम से है, और एक निशानी टाइप से हो जाएगी, मेमोरी टाइप से। और देखिए अभी से मांगना स्टार्ट कर दिया, चलिए अभी इसको लेके चलते हैं। और उसके अपोजिट में उद्योग भवन मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री टेक्सटाइल। फ्रेंड्स, आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो हमारे बस गाइड का है, और हमने अभी एयरपोर्ट का मुख्यालय देखा, और बाकी मुख्यालय आप देखते जाइए। निर्माण भवन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग प्लानिंग, और उसी के आगे विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। विदेश मंत्रालय वेबसाइट, मौलाना आजाद रोड, अगेन कमिंग अलॉन्ग द बोथ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन दिल्ली, जहाँ पे सारे बड़े बड़े मंत्री बैठते हैं, हमारा अलाउ नहीं है जाना। दोस्तों, इफ यू बिलोंग्स टू ए मिनिस्टर फैमिली तो बताइए, विधानसभा आपने अंदर से देखा है और कैसा लगा आपको देख के, शेयर करिए मेरे साथ। इंडिया सराउंडिंग सम पैलेस, इंडिया के चारों कुछ पैलेस बने, उसमें सबसे पहले फर्स्ट लेफ्ट में निजाम हैदराबाद हाउस, VIP गेस्ट हाउस। बाहर से जो फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं उनका लंच डिनर यहाँ होता है, निजाम हैदराबाद। और ये इंडिया गेट के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जहाँ पर रोकते उतरने के बाद पैसेंजर बताने से पूछते हैं अंदर चले हैं, अंदर कहीं नहीं। ये पार्किंग एरिया है, ये बंद कर रखा पूरा, और इसके अंदर एक म्यूजियम है, वो कभी कभार खोलते हैं, उसको देखना तो उसके लिए आपको अलग से जाना पड़ेगा, वॉर मेमोरियल, जिसको देखने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नेशनल वार मेमोरियल देखा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अपनी वीडियो का लिंक भी शेयर करें। और आज की वीडियो में इतना ही, टिल देन बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।